बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, एहसास प्रोग्राम के तहत जो है गवर्नमेंट की जानब से बड़ी ज़बरदस्त जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई हैं। मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा और अप्लाई का प्रोसेस भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना, कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है। तो फ्रेंड्स, आपने डायरेक्टली गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आपने सर्च करना है फाइंड FINDPAKJOBSJOB.com। लिखने के बाद आपने सिंपली गूगल पे सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करते हैं फर्स्ट नंबर पर फाइंड पार्क जॉब्स के नाम से वेबसाइट मिल जाती है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली हमारे सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाती है। यहाँ पे आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, करने के बाद टू डे जॉब्स के टैब पे आ जाना है। और यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर मेक मनी ऑनलाइन के टैब के अंदर आपको काफ़ी जो है ऑनलाइन काम करने के तरीके बता दिए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप ऑनलाइन घर बैठे इंटरनेट से पैसे कमाना चाहते हैं तो। उसके बाद जॉब की बात की जाए तो यहाँ पर टू डे जॉब्स अपडेट पर जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पर काफ़ी डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अंदर जॉब्स आई हुई हैं, जो कि आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एहसास प्रोग्राम एंड बैतुल माल गवर्नमेंट जॉब 2020 के नाम से ऐड मिल जाता है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये डायरेक्टली कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, करने के बाद यहाँ पर जो है हमें टोटली इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ पे इसका कंप्लीट एडवर्टाइजिंग पेपर है जिसमें सुपरवाइज़र, शिफ्ट मैनेजर, अकाउंट असिस्टेंट, रिसेप्शनिस्ट, डाटा एंट्री, बावर्ची कुक, कुक हेल्पर, बावर्ची हेल्पर, मैस वेटर, डिश वॉशर, सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर, हाउसकीपर, स्वीपर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, माली की असामियाँ जो हैं वो खाली हैं। इनकी जो तनख्वाहें हैं उनका रिलेटेड यहाँ पर बता दिया गया है, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। एजुकेशन की बात की जाए तो मिडिल क्लास से लेकर मास्टर लेवल के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अभी बात करते हैं अप्लाई करने की लास्ट डेट और अप्लाई के प्रोसेस की। 18/12/2020 तक अप्लाई करना है और आपने दरख्वास्त फार्म और लफाफे पर पनाहगाह का ज़िला और असामी का नाम जो है वो लाजमी अपडेट लिखना है। यहाँ पर नीचे इसका अप्लाई फॉर्म दे दिया गया, सिंपली आपने इसको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपने ऊपर दिए गए जो एड्रेस है यहाँ पर, ये जो एड्रेस दिया गया है डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान बैतुल माल, इसको आपने बाजरिया TCS या बाजरिया डाक आपने इस एप्लीकेशन को सेंड करना है। और आपने आपका जो अप्लाई फॉर्म है उसके अलावा जो आपका सेंडिंग पेपर होता है यानी कि एनवेलप, उसके ऊपर आपने ये चीज़ वजाहत के साथ लिखनी है कि आप कौन सा जो सेंटर है उसको अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि उसके ऊपर आपने तहरीर कर देनी है। क्योंकि यहाँ पर जितनी भी पनाहगाहें हैं उनके नाम जो है यहाँ पर ऊपर बता दिए गए हैं, आपने देख लेना है कि आप किस शेल्टर होम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो मज़ीद इसके लिए कोई भी क्वेश्चन हो तो यहाँ पे नंबर दिया गया है, इस पर कॉल करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। बाकी इस साइट के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है ताकि आप इसका कंप्लीट एडवर्टाइजिंग पेपर और इसका अप्लाई फॉर्म डाउनलोड करके इसके लिए अप्लाई कर सकें।